नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मांग है इस फॉर्म को भरने में, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग है, और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे भेल की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिपत्र में यहाँ पे जो बोला गया कि BHAI जगदीशपुर की तरफ से यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन निकाली गई जो कि यहाँ पे 2020-21 के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे दी गई, तो किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फिटर दी गई, तो फिटर के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको 25 यहाँ पे बोलिए, एंड वेल्डर के लिए 3 सीटें यहाँ पे बताई गई, एंड इलेक्ट्रीशियन से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए तो उसके लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 12 यहाँ पे बोलिए, एंड इंस्ट्रूमेंट मशीन्स के लिए भी 1 सीटें यहाँ पे बोलिए, और जो लोग यहाँ पे इंसुलेटर मेकर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5 सीटें यहाँ पे बताई गई, एंड प्रोग्रामिंग एवं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं इसके लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे बताई गई, इंटर्नर के लिए भी 1 सीटें बताई गई, एनवायरनमेंट के लिए 1 सीट यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे भेल की तरफ से यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई टोटल आपको 51 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे निकाली गई है। अगर यहाँ पे योग्यता के देखें तो योग्यता यहाँ पे जो आपको बोली गई मिनिमम आपको यहाँ पे 10 क्लास यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बोली गई, और साथ में आपको यहाँ पे ITI का भी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ले जा रही है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे 10th के साथ यहाँ पे अगर ITI का क्वालिफिकेशन होगा अगर प्रथम श्रेणी में तो आप जो है इस अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और नीचे में यहाँ पे जो आरक्षण एवं आयु में छूट के यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो बोला गया कि जो लोग यहाँ पे अगर ये आपका BHEL यानी कि जो भेल के जगदीशपुर के कर्मचारी होंगे या फिर उसका पुत्री पुत्री या फिर पत्नी या ये सब किसी में अगर आते होंगे तो उसको यहाँ चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी, तो उसको यहाँ पे आपको छूट यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आयु सीमा यहाँ पे देखते हैं तो आयु सीमा यहाँ पे जो बोला गया है तो मिनिमम आपको यहाँ पे 18 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पे बोली गई, और ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी जा रही है इसी के अनुसार आपको यहाँ पे एज में आपको यहाँ पे गणना की जाएगी। और यहाँ पे जो अधिकतम उम्र की यहाँ पे देखते हैं तो अधिकतम उम्र यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष यहाँ पे बोला गया है, और जो लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आते होंगे उसके लिए यहाँ पे जो अधिकतम आयु में छूट आपको यहाँ पे दी जा रही है 5 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आपको छूट दी जाएगी, और जो लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रिमिनल ईयर में आते होंगे उसके लिए 3 साल का आपको एज में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है, और जो लोग यहाँ पे PWD से अगर आते होंगे उसके लिए 10 साल का आपको यहाँ पे छूट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया देखते हैं तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे जो बोला है कि ITI में राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरीयता के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ITI में जो भी मार्क्स आपका आया जाएगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार आपका यहाँ पे सिलेक्शन आपको यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। तो मेरिट में चुने गए अभ्यर्थियों को जो 3:1 के अनुसार जो है इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, ओके। और यहाँ पे स्टाइपेंड यहाँ पे देखते हैं तो स्टाइपेंड यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो जो लोग यहाँ पे मैट्रिक पास से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनके यहाँ पे 6,000 आपको प्रतिमान दी जाएगी, और जो लोग यहाँ पे स्कूल पास अगर 12वीं कक्षा से किए होंगे तो उसको यहाँ पे 7,000 आपको प्रतिमा स्टाइपेंड यहाँ पे दी जाएगी, और जो लोग यहाँ पे मैट्रिक एंड 10+2 के साथ अगर ITI भी किए होंगे तो उसको यहाँ पे 7,000 आपको प्रतिमा स्टिफन के रूप में आपको यहाँ पे दी जाएगी, ओके। और यहाँ पे आपका चिकित्सा यानी कि जो मेडिकल के यहाँ के बोला गया तो मेडिकल का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है। तो आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जो डेट दी गई है सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई इसमें जाकर जो है आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे दी गई, तो यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने के वेबसाइट यहाँ जो दी गई 11/3/2020, तो 11/3/2020 से इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट डेट बोला गया 20 मार्च 2020, तो यहाँ पर 20/3/2020 तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ओके। और इंटरव्यू के यहाँ पर जो डेट दी गई 26/3/2020 से लेकर 27/3/2020, तो यहाँ पे 26 एंड 27 तारीख को आपका यहाँ पे इंटरव्यू आपको ली जाएगी जो कैंडिडेट यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जिनका यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आपको यहाँ पे घोषित की जाएगी 5 अप्रैल को यहाँ आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित की जाएगी। उसके बाद 16 अप्रैल को जो है आपका चयन प्रशिक्षुओं को जो है FHIC में जगदीशपुर में आपको यहाँ पे प्रशिक्षण
शुरू करना होगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं इंटरव्यू में, जिसका रिजल्ट यहाँ पे 5 अप्रैल को आ जाता है, उसको यहाँ पे 16 तारीख से आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर जो 10वीं कक्षा का जो आपका जिसमें डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे उसको आपको जमा करना है, जो शैक्षणिक योग्यता होगा ITI का यहाँ पे, एंड निवासी प्रमाण पत्र, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले गए इसके अनुसार आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा प्रमाण पत्र, जो भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई कि कब से कब इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कब इसका लास्ट डेट यहाँ पे बोला गया, और यहाँ पे साक्षात्कार की घोषणा की तिथि भी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख करके इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ओके।